ये राम मंदिर परिसर है और यहाँ बड़ी तेजी से काम चल रहा है। दशकों से श्री राम मंदिर निर्माण की आस लगाए प्रभु श्री राम जी के भक्तों का इंतजार अब जल्द खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अयोध्या में श्री राम मंदिर का काम तेजी से चल रहा है। दुनिया भर में प्रभु श्री राम जी के भक्त ये जानने के लिए उत्साहित हैं कि आखिर मंदिर निर्माण का काम कहां तक पहुंचा है। लोगों की इसी उत्सुकता को दूर करने के लिए पांच जन्य की टीम आ पहुंची है अयोध्या। हम आपको दृश्य दिखाना चाह रहे हैं कि क्या क्या काम चल रहा है, कितनी तेजी से काम चल रहा है, और एक भव्य रूप देने के लिए मंदिर को बड़ी बड़े जल्दी से जल्दी शीघ्र मंदिर का निर्माण हो, उसके लिए यहाँ सतत काम हो रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा पत्थर तराशे जा रहे हैं, उनको लगाया जा रहा है, और कैसे काम होगा जल्दी उसको प्रयास है ये। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी थी। तब से लेकर अब तक कई चुनौतियों को पार करते हुए प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण कार्य जारी है। कोरोना संकट और भौगोलिक चुनौतियों की वजह से पिछले एक साल में काम की रफ्तार भले ही धीमी रही हो, लेकिन ट्रस्ट को पूरा विश्वास है कि साल 2023 तक श्री राम जी के भक्त मंदिर में ही रामलला के दर्शन कर पाएंगे। नमस्कार, मैं अश्विनी पांचजन्य के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे साथ चंपत राय जी हैं। चंपत राय जी विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और वर्तमान में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री हैं। शायद ही आज परिचय की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारा देश और दुनिया आपको जानती है, और हम उसी स्थान पे हैं जहां भगवान राम का जन्म हुआ और भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं पांचजन्य के साथ आपका जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थोड़ा सा काम के बारे में जानेंगे, अभी तक कितना काम हो चुका है मंदिर निर्माण से जुड़ा हुआ? आप मेरे दाईं ओर हमारा आप जहां खड़े हैं, हम हमारे उत्तर दिशा में ये जितनी रचना दिख रही है ये राम जन्मभूमि मंदिर के नींव है, एक तरह की इट्स अ फाउंडेशन। सामान्यतया मकानों की नींव जिस ढंग की बनती है वैसी ये नींव नहीं है कि जमीन के नीचे मिट्टी नहीं है, जमीन के नीचे मलबा है, डेब्री डेब्रिश या बालू है, सॉयल नहीं है। इसलिए डेब्रिश के ऊपर कोई चीज नहीं बननी चाहिए, मलबा हटाओ। ये निर्णय हो पाया 6 महीने के बाद दिसंबर 2020 में, और जनवरी 2021 से वो मलबा हटाना शुरू किया। आप ये देख रहे हैं कितना बड़ा क्षेत्र है, ये लगभग 400 फीट लंबा है, 300 फीट चौड़ा है। मलबा हटाने में 3 महीने लगे, और हम जिस लेवल पर खड़े हैं इस लेवल से लगभग 45 से 50 फीट गहराई तक चले गए, मट्टी नहीं मिली, मलबा हटता रहा, बालू मिली। और जब ये निश्चित हो गया कि अब इसके नीचे मिट्टी है ही नहीं, बालू है, अर्थात जिस लेवल पर खड़े हैं उस लेवल से 14 मीटर गहराई तक, 14 मीटर को 47 फीट मान लीजिए, मैं 50 फीट कह रहा हूं, राउंड फिगर बोल रहा हूं, तो एक बड़ा विशाल समुद्र जैसा दृश्य खड़ा हो गया। इसको भरना, तो इसको भरने के लिए आईआईटी चेन्नई ने एक विशेष प्रकार का मिक्सचर, कंक्रीट मिक्सचर बताया, उसमें सीमेंट बहुत कम है, फ्लाई ऐश ज्यादा है, थर्मल पावर स्टेशन की राख, कुछ केमिकल्स होंगे, और बहुत बारीक गिट्टी है, पत्थर की गिट्टी बहुत बारीक, 10 mm 20 mm,
इसको भरने की एक पद्धति तय की गई, इंजीनियरिंग टेक्निकल। एक फिट की लेयर उसको रोलर कॉम्पैक्शन करके 10 इंच करना, यानी 300 मिलीमीटर को 250 मिलीमीटर करना, और एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, और एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर को क्रॉस करना, 90 डिग्री क्रॉस करना। अगर एक लेयर ईस्ट वेस्ट है तो उसके ऊपर की लेयर को नॉर्थ साउथ कर देना, और इस प्रकार ये 6 महीने में रात और दिन 24 आवर्स काम हुआ है। तब ये 14 मीटर भरा गया है। 110 एकड़ में फैला है पूरा मंदिर परिसर। ट्रस्ट के मुताबिक राम मंदिर के निर्माण में कई धार्मिक वास्तु चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। अगर श्री राम मंदिर के पूरे कॉम्प्लेक्स की बात करें तो मंदिर के अलावा यहां पर म्यूजियम, गेस्ट हाउस और अन्य सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। ये पूरा निर्माण करीब 110 एकड़ की जमीन पर हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच सबसे अच्छी बात यह है कि मंदिर निर्माण को लेकर फंड की कोई चिंता नहीं, क्योंकि श्री राम जी के भक्त अपने प्रभु के मंदिर निर्माण के लिए दिल खोलकर चंदा जमा कर रहे हैं। वैसे ट्रस्ट के लिए राम मंदिर का निर्माण इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि इस मंदिर पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं और दशकों के संघर्ष के बाद अयोध्या में मंदिर निर्माण का काम हो रहा है। ऐसे में मंदिर निर्माण में ट्रस्ट किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहता है और श्री राम के भक्तों को उनके प्रभु का भव्य मंदिर बनाकर उन्हें समर्पित करना चाहता है। देखो भाई, सामान्य रूप से हर मंदिर का कोई ना कोई एक, इस मंदिर का निहितार्थ है कि भगवान की जन्मभूमि पर है। समाज जिसे जन्मभूमि मानता है, ग्रंथों में जिसको जन्मभूमि कहा गया है, तो ये जन्मभूमि का मंदिर है अयोध्या में। अयोध्या में जन्मभूमि के नाम से कोई दूसरा मंदिर नहीं है, तो ये इसकी एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है, इसकी महत्ता है। बाकी तो सब जगह ठाकुर है, सभी जगह ठाकुर है। आज आपको कमी किस चीज की खलती है? कोई कमी नहीं करती। प्रकृति और काल चक्र में लोगों का आना, लोगों का चले जाना, ये तो सृष्टि का नियम है, इसलिए कोई कमी नहीं खलती। और मैं समझता हूँ सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा है। अशोक जी को जब हम याद करते हैं तो अशोक जी के लिए, देखो भाई, अशोक जी जब गए तो उनकी आयु 90 साल थी। अगर आज वो होते तो 95 साल के होते। अब 95 साल के कितने लोग स्वस्थ हैं? अब वो तो स्वस्थ होकर गए, इसलिए महंत वैद्यनाथ जी नहीं है, परमहंस जी नहीं है, वामदेव जी नहीं है, दाऊदयाल खन्ना नहीं है, सब अपनी आयु पूरी करके गए हैं। डालमिया जी, मोरोपंत पिंगले, आचार्य गिरिराज किशोर, ओंकार भावे, ये एक ऐसे नाम हैं जिन्होंने पूरी आयु का उपभोग किया है, और लगभग सब लोगों ने अपनी आयु का बहुत बड़ा हिस्सा इस स्थान को वापस प्राप्त करने में लगाया। राम जन्मभूमि मंदिर की भूमि को वापस प्राप्त करना उनके सामने नहीं हुआ, लेकिन उनकी इच्छाएं तो पूरी हुई। एक सवाल आता है कि आप पहली बार जब अयोध्या आए होंगे कभी बचपन में और आज यहाँ खड़े हुए हैं, तब देखो भाई, लग रहा है? मैं आया हूँ यहाँ पर 1957 में, तब मेरी आयु थी 10 साल 11 साल, मुझे कुछ मालूम नहीं, मेरी आंखों में चित्र जरूर है। कस्बा कैसा था मुझे मालूम नहीं, 1987 में आया हूँ तब कस्बा कैसा था ये मेरी अनुभूतियां हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे से अच्छा यहाँ के व्यापारी बताएंगे 1987 में उनकी क्या स्थिति थी, कितने भक्त आते थे, कैसा शहर था। आज शाम को देखिए कैसा चमचमाता है, तो इतना तो भौतिक परिवर्तन यहाँ आ ही गया है। मैं समझता हूँ इसके पीछे कारण है भगवान के इस मंदिर का निर्माण। एक है कि जो पुराने लोग आंदोलन से जुड़े आपसे मिलते हैं, अब मंदिर बन रहा है, वो बहुत खुश होते हैं। प्रतिक्रिया क्या? वो बहुत खुश होते हैं, वो चाहते हैं हम आए कुछ काम करें। अब मैं कहता हूँ मशीनों को ऑप्शन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, तो सब मशीनों का काम है। मैं भी नहीं जाता हूँ अंदर, मैंने मना कर दिया आपको, अंदर नहीं जाऊंगा, वो मजदूर काम कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। देखो एक है कि आंदोलन राम जन्मभूमि का जब शुरू हुआ तो उस समय मंदिर की संकल्पना और मंदिर का स्वरूप की एक व्यवस्था अलग थी, आज उससे भव्य और दिव्य मंदिर उससे लगभग दुगना है।
जी दुगना चले वहाँ। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।